शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कहते हैं महादेव का बुलावा आता है तभी लोग केदारनाथ यात्रा करते हैं, लेकिन महादेव के रूप में मेरे अंकल श्री बीपी शास्त्री जी का कॉल आया चारधाम यात्रा के लिए, तो फिर मैं निकलता हूँ अपने होम टाउन सिलीगुड़ी से दिल्ली के लिए। अभी 2 बजने वाला है और मेरा ट्रेन भी आने वाला है। ये वाला जो ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, ये वाला मेरा ट्रेन नहीं है, मेरा वाला जो ट्रेन है वो तेजस एक्सप्रेस जो कि अगरतला से दिल्ली तक। अभी 11 बज रहा है और हम लोग पहुंचे आनंद विहार रेलवे स्टेशन, और यहां से ना मेरे को मेट्रो लेके जाना है साकेत के लिए। तो ये वाला स्टेशन है और यहां से पूरा अभी पैदल चल चल के इधर सामने आपको नज़र आ रहा है ये वाला स्टेशन, अभी हम लोग को वहां पे जाना है। बाकी यहां से यहाँ पर आपको ऑटो वाले टैक्सी वाले सब मिल जाएंगे, कहीं और आपको अगर जाना हो। जिनको ना मतलब मेट्रो के बारे में आइडिया हो वो लोग मेट्रो पे जाते ना तो बहुत सस्ता पड़ता है, कि मैंने अभी ओला या फिर टैक्सी से बात किया था जो कि 400-500 रुपये मुझे चार्ज कर रहे थे, और मैं मेट्रो से सिर्फ वहाँ पे पहुँचूँगा 50 या 60 रुपये में। तो मेट्रो सबसे सस्ता रहता है दिल्ली में। तो आज 11 तारीख है और हम लोग निकल रहे हैं अपने यात्रा के लिए। हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली से चारधाम यात्रा के लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे हरिद्वार, जो कि अराउंड 4 या 5 घंटा हम लोग को लगेगा, और अभी हमने स्टार्ट किया है करीबन 8 बजे के आसपास, और जो पहुँचेंगे 2 या 3 बजे, फिर वहाँ पे जाके स्नान करेंगे और रात का जो वहाँ पे आरती होता है गंगा आरती वो सब देखेंगे। बाकी इस ट्रिप में जो जा रहे हैं मैंने सबको आप लोगों को दिखाया, बाकी जैसे हमें टाइम मिलता है सबके साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे। हरी लाल सफेद तीन और बताओ ठीक है, और 4 लस्सी 4 वाइन चार मीठी लस्सी कर दो ठीक है। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे रुके हुए और यहाँ पे ना अभी तक मतलब फाइनली हो रही है कौन क्या खाएगा, इसलिए उस चीज़ का डिस्कशन चल रहा है हम लोग के बीच में। अभी दही दो कर दो, बड़े ना होगे ना दो कर दो, बस आलू प्याज पराठे, एक आलू पराठे, 5 गोभी पराठे, 4 चाय हैं, 3 फीके 1 मीठी। अभी 4 बजने वाला है और हम लोग पहुँचे हरिद्वार और स्नान करने गंगा जी पे इधर जा रहे हैं, और यहाँ पे ना बहुत कड़क वाली धूप है और पहले स्नान करेंगे हम लोग। भैया जी इसका कितना पड़ता है ये वाला? हाँ जी इसका कितना पड़ता है? 150, 140, 130 सब रेट है, अलग अलग रेट पड़ता है। 150 हाँ।
आपका साइज दिखा देते हैं? नहीं अभी नहीं, अभी लौट तो स्नान करके आएंगे फिर ले लेंगे। ठीक है, अरे पढ़ा ले वीडियो। ये वाला जो टी शर्ट है ना, ये पहन के मेरे को ना केदारनाथ जाना है, तो जाते वक्त ना ये टी शर्ट लेके जाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ केदारनाथ जब जाऊँ ना इस तरह का एक टी शर्ट पहनने का मेरा बहुत ख्वाहिश है। और यहाँ पे अभी देखो कितने लोग स्नान कर रहे हैं भाई। क्या बोल रहे हो लोग? स्कैम, हमारा पैसे काट देगा। सब जगह स्कैम है। पर्चा उठाया एंट्री करने वाले से। यहाँ पे आओ सीधा हो भाई, किसी की मत सुनो, किसी को यहाँ पे पैसे वैसे देने की जरूरत ही नहीं है। क्या भाई, क्या वाइब है यहाँ पे देखो। तो अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं नाई के यहाँ, क्योंकि अंकल लोगों को ना अपना बाल कटवाना है, मतलब मुंडन कराना है। तो यहाँ से शुरुआत होता है हमारा चारधाम यात्रा का। तो अभी बाल जो पूरे गंजे होंगे उसके बाद फिर यहाँ से जाएंगे हम लोग स्नान करने के लिए। हमारे अंकल जी अभी बताएंगे बाल क्यों काटते हैं यहाँ पे। हमारे जो सनातन धर्म के अनुसार तीर्थ पर बाल कटाते हैं। तीर्थ में जाके बाल कटवाने से शारीरिक कष्ट दूर होता है, मानसिक खुशियाँ मिलती है, धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। हम लोग बाल कटवा के अभी यहाँ बाल कटवाएंगे। यहाँ से कल हम लोग जाएंगे यमुनोत्री, फिर हम जाएंगे गंगोत्री, चारधाम यात्रा, फिर हम जाएंगे केदारनाथ। उसके बाद में बाल कटवाने का अर्थ ये है, लास्ट में हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में हम लोग पितृ श्राद्ध करेंगे। अच्छा है ना ठाकुर जी, पितरों के लिए आप गए हो चाचा जी केदारनाथ? आप गए हो? मैं गया हूँ तीन बार। तीन बार पैदल? हाँ पैदल ही केदारनाथ। तो मेरे को भी पैदल ही जाना है भाई, मुझे भी पैदल घर से सोच के निकला कि पैदल जाना है। बाकी ये कटिंग का भी काम यहाँ पे चल रहा है, जैसे ख़त्म होगा फिर हम लोग जाएंगे स्नान करने के लिए। हर हर गंगे। छोटे छोटे शिवलिंग।